श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, जगद्गुरु नरेन्द्राचार्य महाराज की जय, सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय, संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय, आदि जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय, सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरे अध्याय सहावा श्री राम। मगर आयाते मणे संजयो तोचे अभिप्राओ उधारिजो, कृष्ण सांगती आता जो योग रूप, सहजे ब्रह्मरसाचे पारणे केले अर्जुना लागी नारायणे, की तेची अवसरी पाहुणे पातलो आम्ही। कैसी देवाची आगळीक नेणीजे, जैसे ताने लिया तो यसे विजे, की तेची चवी करुण पाहिजे तव अमृत आहे। तैसे आम्हा तुमा जाहले जे आडमुठी तत्व फावले, तव दूत राष्ट्र म्हणितले हे न पुसो तुरते। तया संजया येणे बोले रायाचे हृदय चोजवले, जे अवसरी आहे घेतले कुमारांचिया। हे जाणोनी मनी हासिला मणे म्हातारा मोहे नाशिला, ए रवी बोलू तरी भला जाहला अवसरी ये। पुंडली कवर दे आरविट, श्री ज्ञान देव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय, जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी के पावन चरण कमलों को वंदन करके आज सत्संग में उपस्थित सभी पुण्यात्माओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। आज के इस सत्संग में हम ज्ञानेश्वरी के छठे अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन इसके पूर्व ज्ञानेश्वरी के पाँचवें अध्याय में जिस किसी महत्वपूर्ण बातों को हमने जाना है उस पर एक बार संक्षेप में हम विचार करते हैं। उसमें से पहली बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कर्म मार्ग और संन्यास दोनों बताए तो अर्जुन के मन में दुविधा उत्पन्न हुई और अर्जुन ने पहला प्रश्न उपस्थित किया कि हे भगवान, इन दोनों में से कौन सा मार्ग कल्याणकारी है ये कृपया आप मुझे बताएं। और भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये दोनों ही मार्ग कल्याणकारी है, इन दोनों ही मार्गों से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमने पिछले अध्याय में सुनी वो थी ज्ञानी लोगों के बारे में। जो ज्ञानी लोग होते हैं उन्हें सभी जीवों में एक ही परमात्मा का चैतन्य दिखाई देता है, क्योंकि वो आत्मसाक्षात्कारी होते हैं। सभी जीव जंतुओं में वह उसी ब्रह्म को पाते हैं, उन्हें माया भ्रमित नहीं कर पाती। और तीसरी जो बात थी वो अज्ञानी लोगों के बारे में थी,
जो हमने पिछले अध्याय में देखी, जो अज्ञानी लोग होते हैं वह हमेशा दुख पाते हैं, सुख दुख के फेरे में घूमते रहते हैं, उस चक्कर में फंसे रहते हैं। और उसका कारण भगवान बताते हैं कि यह अज्ञानी जीव वासना में फंस जाते हैं। हमारे सद्गुरु श्री जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी का भी श्लोक है, एक पंक्ति है, जिसमें वे कहते हैं, वासना लागे जीवा तेणे दुख मिले। जो गीता में बताया है वही जगतगुरु श्री ने भी बताया है, जब जीव वासना में फंस जाता है तो उसे दुख के फेरे में फंसना पड़ता है। यही तीन बातों का विस्तार आज के इस अध्याय में है। अगर मैं संक्षेप में कहना चाहूँ तो योग क्या है, उसका उपयोग क्या है और उसका अधिकारी कौन है, इन तीन बातों का ही विस्तार आने वाले इस अध्याय में आत्मसंयम योग में ज्ञानेश्वर जी ने सरल भाषा में किया है। अब इस अध्याय की जो शुरुआत हुई है उसके प्रारंभ में ज्ञानेश्वर जी ने प्रस्तावना लिखी है। यह जो प्रस्तावना है यह ज्ञानेश्वर जी की शैली है। इस प्रस्तावना में ज्ञानेश्वर जी संवाद रूप में उनकी मन की बातें लिखते हैं। इससे क्या होता है, जो गीता इतने सालों से पढ़ी जा रही है, जो सामान्य जनों को, सामान्य लोगों को कठिन प्रतीत होती है, समझ में नहीं आती, उससे इस प्रस्तावना से, इस सरल भाषा से ये उन्हें सरल प्रतीत होती है, समझने में आसान होती है, इसीलिए ये इस प्रस्तावना का महत्व है। इस प्रस्तावना में लिखी गई तीन महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहली बात संत ज्ञानेश्वर जी ने जो कही है वह है धृतराष्ट्र और संजय के संवाद की बात। अगर सच में देखा जाए तो धृतराष्ट्र एक ऐसा जीव का प्रतीक है जो बद्ध है, और संजय आगे चल के मालूम पड़ेगा कि एक ऐसा जीव का प्रतीक है जिसने अपने इंद्रियों पर विजय पाली है, संयम पाली है। तो इस प्रस्तावना में प्रथम ज्ञानेश्वर जी इस संवाद को बताते हैं कि संजय धृतराष्ट्र को कहता है कि हे राजन, इस अध्याय में या इस गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो अष्टांग योग बताने वाले हैं, निवेदन करने वाले हैं, वह उन्हें तो बिना किसी परिश्रम के ही समझने वाला है, बहुत आसानी से मिलने वाला है। और संजय को इस बात की खुशी है कि यह ज्ञान का भंडार उन्हें बिना किसी परिश्रम के मिल रहा है। लेकिन धृतराष्ट्र जो एक बद्ध जीव है, उसे इस ज्ञान की बातों से कोई लेना देना नहीं है, इसे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और संजय की इस बात से वह नाराज़ हो जाता है, दुखी हो जाता है और बोलता है, इसमें मुझे कोई रुचि नहीं है, यह सब ज्ञान की बातें तुम मुझे मत बताओ। संजय समझ जाता है कि धृतराष्ट्र अभी भी पुत्रों के मोह में फंसा हुआ है, वो ज्ञान चक्षु से अंधा ही है, उसके चर्म चक्षु तो अंधे है ही, लेकिन उसके ज्ञान चक्षु भी अभी तक खुले नहीं है। इस प्रस्तावना में आगे संत ज्ञानेश्वर जी जो दूसरी बात बताते हैं वह है मराठी भाषा के बारे में। यह ज्ञानेश्वरी जो लिखी गई है वह मराठी भाषा में लिखी गई है, और ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, उनकी जो पंक्तियाँ हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं, माझा मराठीचा बोल कौतुके अमृताते ही पैजा जिंके। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि ये जो मराठी भाषा है वह इतनी सुंदर है, इतनी रसपूर्ण है, इतनी मधुर है, इतनी अलंकारिक है कि मैं क्या कहूँ। अगर इसकी तुलना मैं अमृत से भी करूँ तो भी ये श्रेष्ठ है। इस प्रकार इस प्रस्तावना में संत ज्ञानेश्वर जी ने मराठी भाषा को गौरवान्वित किया है। तीसरा जो अहम मुद्दा प्रस्तावना में संत ज्ञानेश्वर जी बताते हैं वह इस अध्याय के बारे में, इस अध्याय के महत्व के बारे में। इस अध्याय में जिस अष्टांग योग का निवेदन होने वाला है वह बहुत ही गूढ़ ज्ञान
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से सभी लोगों को बताने वाले हैं और उसकी वजह से यह अध्याय बहुत ही गंभीर है। और जिस प्रकार क्षीरसागर के मंथन पर अमृत कुंभ प्राप्त हुआ था, ठीक उसी प्रकार यह अध्याय भी गीता का सार है। इसलिए संत ज्ञानेश्वर जी सभी श्रोताओं से निवेदन करते हैं कि इस अध्याय को बड़े ही ध्यानपूर्वक, बड़े ही लक्ष्यपूर्वक आप श्रवण कीजिए, क्योंकि यह अध्याय गीता का सार अध्याय है। इसमें बहुत ही गूढ़ ज्ञान बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है। आइए तो अब इस अध्याय के प्रथम श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। प्रथम श्लोक कुछ इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच, अनाश्रितं कर्मफलं कार्यं कर्मं करोतियं सस्सन्यासी च योगी च न निराग्नी न चाक्रियं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म के फल को न चाहते हुए करने योग्य जो क्रिया है, करने योग्य जो कर्म है वह करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला तथा क्रियाओं को त्यागने वाला न तो योगी होता है न तो सन्यासी होता है। इसे सरल भाषा में बताते हुए संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार सन्यासी और कर्मयोगी एक ही है। तू इन दोनों को अलग मत समझना अर्जुन, ये दोनों एक ही है। और भगवान श्री कृष्ण के पहले भी सन्यास की जो व्याख्या थी उसका अर्थ सिर्फ बाह्य रूप से ही निगड़ित था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सन्यास की जो व्याख्या, जो धारणा यहाँ बताते हैं इस श्लोक में, वहाँ पे वह हमारे अंतरात्मा के रूपांतरण की बात करते हैं, ना कि हमारे बाह्य रूप की। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बात इसलिए याद दिला रहे हैं कि इस गीता के प्रारंभ में अर्जुन की भी यही धारणा थी सन्यास के बारे में, कि सन्यास यानि जीवन के विपरीत धारा, सन्यास यानि सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ त्याग देना। जो कर्म है, जो कर्तव्य है, उसको छोड़कर जंगल में चले जाना, एकांत में चले जाना, निष्क्रिय हो जाना, अक्रिय हो जाना। और हमने देखा कि अर्जुन भी इस गीता के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण से यही कह रहा था कि क्यों न मैं ये इस युद्ध को छोड़कर जंगल में चला जाऊं, क्यों न मैं इस कर्तव्य को छोड़कर संन्यास को उपलब्ध हो जाऊँ। और उसी बात को इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि कर्म फल की इच्छा त्याग कर, क्योंकि अर्जुन यही सोच रहा था कि इतना संहार करने के बाद, स्वकीयों को, परिजनों को मारने के बाद जो पाप कर्म होगा उसका मैं उत्तराधिकारी होऊंगा, वो सब मेरे ऊपर आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं कि तू तेरा विहित कर्म कर, कर्म फल की इच्छा छोड़ दे। यही भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्मफल की इच्छा त्याग दे और तेरा जो करने योग्य कर्म है वो तू कर, जो तेरा कर्तव्य है, फल की चिंता मत कर। यहाँ पर मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे जैसा एक आम इंसान रहता है जो बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक रूपों से प्रार्थना करता है, उसकी भक्ति करता है और भगवान भी उसे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होने के बाद उसे कहते कि बस मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ और तुम कोई भी तीन इच्छाएं मांग सकते हो और मैं वह पूर्ण कर दूँगा। अब ये जो गृहस्थ आदमी रहता है वह सोच में पड़ जाता है, एक तो भगवान प्रसन्न हो गए और ऊपर से एक नहीं तीन इच्छाएं पूर्ण करने का वादा किया है। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं तो एक सादा सा गृहस्थ आदमी हूँ और मुझे घर जाकर मेरी पत्नी से सलाह करनी होगी, उसके बाद ही मैं इन तीन वरों को आपसे, इच्छाओं को मांग लूँगा।
खुश होकर घबराए हुए दौड़ते दौड़ते वो घर को पहुंचता है और पत्नी को कहता है कि तू हमेशा मुझे कोसती रहती थी कि मेरी इच्छाएं तुम पूर्ण नहीं करते, मेरी बात तुम सुनते नहीं हो, तो चलो आज कोई भी एक इच्छा मांग लो और वो मैं पूर्ण कर दूंगा। अब पत्नी को क्या पता कि यह कौन सा वरदान लेके आए हैं। पत्नी तो बोलती है, कब से बोल रही हूँ घर में कढ़ाई नहीं है दरवाजे में, वही ला दो। और क्या आश्चर्य, उसी वक्त वहाँ पे कढ़ाई हाजिर हो जाती है। अब ये तो और घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि अरे ये तो वरदान सफल हो गया, पहला वरदान तो व्यर्थ हो गया। उसे गुस्सा आता है, पत्नी को बोलता है कि तूने तो एक वरदान व्यर्थ कर दिया। अब पत्नी को क्या पता था, उसने तो मांग लिया और उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। उसे इतना गुस्सा आता है कि गुस्से में वो पत्नी को कह देता है कि तू इसी वक्त मर क्यों नहीं गई, तुझे इतनी भी बुद्धि नहीं थी। और उसके बोलने से ही उसकी दूसरी इच्छा भी पूर्ण हो जाती है, उसकी पत्नी वहीं पे मृत हो जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी दूसरी इच्छा भी पूर्ण हो गई। अब तो वो रोने पे आ जाता है, समझ जाता है कि भगवान ने जो वरदान पूर्ण करने के लिए कहा था वो तो पूर्ण हो गया। लेकिन तभी भी उसे ख्याल आता है कि अभी भी एक वरदान बाकी है। वह प्रभु के सामने रोता है कि अभी मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो कि मेरी पत्नी को जीवित कर दो। और जैसे ही वो इच्छा मांगता है उसकी तीसरी इच्छा भी पूरी हो जाती है, उसकी मरी हुई पत्नी जीवित हो जाती है। तो तात्पर्य कथा का यही है कि जब हम कोई कार्य करते हैं और उसके कर्मफल की इच्छा रखते हैं तो हमें यह भी पता नहीं होता कि उस परमात्मा से क्या मांगना है। इसीलिए भगवान से मांगने से पहले भगवान यही कहते कि तू सिर्फ कर्म कर, कर्म करते जा, कर्मफल की इच्छा को त्याग दे, क्योंकि जिसने तुझे जीवन दिया है वह तुझसे बेहतर जानता है कि तुझे कर्म का क्या फल देना है। तू इस बारे में मत सोच कि तुझे इस कर्म का क्या फल होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर हम जिंदगी में क्या देखते हैं, पहले हम कर्म फल देखते हैं फिर उसके हिसाब से कर्म करते हैं। हम दौड़ते किस लिए, ताकि कहीं पे पहुंच जाए। हम चलते किस लिए, ताकि हम हमारी मंजिल पाले। हम सपने देखते हैं किस लिए, पूरे करने के लिए। उसके लिए हम श्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक अद्भुत बात अर्जुन को बताते हैं कि हे देखिए अर्जुन, मैंने आपको पहले दो मार्ग बताए और अभी हम तीसरा मार्ग बताने वाले, वो है योग। लेकिन ये ध्यान में रखिए, वो जो कर्म सन्यासी है ना और योगी है, इसमें वैसा देखे तो कोई भी फर्क नहीं है। वैसे माने तो कोई भी फर्क नहीं, सिर्फ नाम दो अलग अलग है। ये व्यक्ति एक ही है लेकिन उनको दो नाम से लोग जानते हैं, वैसी बात ये योग की है। जो सन्यासी है उन्होंने क्या किया है, कर्म का जो जो कर्म है, विहित कर्म है, वो कर्म का त्याग नहीं किया है। तो विरक्त होकर, मन से विरक्त होकर कर्म हो रही है और मन से उन्होंने सन्यास लिया है, इस कारण ये भी श्रेष्ठ है। और ये जो अभी हम आपको योग मार्ग बताने वाले हैं, ये योगी भी श्रेष्ठ है। योगी भी कर्म की आसक्ति नहीं पकड़ता। जो कर्म है, कर्म का जो फल है, ये फल की आसक्ति योगी भी नहीं पकड़ता, इस कारण तो उनको योगी बोला जाता है। कर्मणे वादी कारस्ते मां फलेशु कदाचित, कर्म करना हमारा कर्तव्य है ऐसे समझे। उसका फल क्या मिलेगा ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, फल की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। और योगी भी ऐसा ही करता है। वैसा देखा तो आसान नहीं है योग मार्ग, क्योंकि
योग रूपी मेरु पर्वत चढ़ने का है। ये योग जो है ये शरीर को कष्ट देकर, ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, उनका चोला मोला कर पुरचुंडी बनाकर प्राप्त होने वाला है। ये शरीर का दमन करने के लिए यम नियमादि मार्ग से हमें योग पाने का है। और ये योग मार्ग में हमारे जो पंच कर्मेंद्रिय है उनको हमारे बस में लेने का है। जब पंचेंद्रिय हमारे कंट्रोल हो जाएगी तो अब से आप हम चिदावकाश बन जाएंगे। यह हमारा नाक जो है, नाक से जो लोम विलोम हम करवाते हैं उससे हमें यहाँ तक जाने का है। ये जो भ्रुकुटी मध्य है वहाँ उनको लाकर रखने का है। और यहाँ से इसको ध्यान बोला जाता है, यहाँ से हम ऊपर का जो मार्ग है वहाँ पहुँचने वाले। ये अर्जुन हम आपको आगे बताएंगे, समझाएंगे, विस्तार पूर्वक समझाएंगे। लेकिन पहले ये ध्यान में रखो कि कर्म मार्ग और योग मार्ग में बहुत ऐसा कुछ फर्क है ऐसा नहीं है। और कर्म सन्यासी और योगी इसमें भी कुछ फर्क है ऐसे नहीं है। हमें जहाँ जाने का है वहाँ जाने के अलग अलग दो मार्ग है, इतना ही आप ध्यान में रखो। भगवान ने क्या किया, अर्जुन को नया मार्ग जरूर दिखाया लेकिन पहले ही उनको यह बताया है कि योगी और सन्यासी इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ फर्क नहीं है। ऐसे भगवान क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भगवान को उनको कर्म सन्यासी बनाकर युद्ध करने का है, उनके हाथों से युद्ध करवा कर लेने का है। नहीं तो ये योगी बन जाएगा और बोलेंगे भगवान हम यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि लगाकर कुंडलिनी जागृत करवा के आत्मज्ञान मिलवाएंगे, बस हमारा काम खत्म हो गया। आत्मज्ञान मिल गया तो भी अपने जो कर्म है ये कभी खत्म नहीं होती, ये ध्यान में रखिए। नहीं तो आज हमें ये सत्संग में आकर प्रवचन देने की जरूरत नहीं रहती। हम हमेशा बताते हैं इंसान का जो जन्म है उनके तीन फर्ज है, उसमें से पहला फर्ज है प्रपंच करना, संसार करना। इस कारण तो भगवान ने संसार में हमें ढकेल दिया है। दूसरा फर्ज है जो हमने संदेश में हमारे बताया, आप जियो और दूसरों को जीने में सहायता करो, दूसरे के लिए जीने का प्रयास करो, तब आपको मालूम हो जाएगा कि चराचर में भगवान है। पिंडी से ब्रह्मांडी तक भगवान ही भगवान है, सब में उनका स्थान है। ये जब आपके दिल में आने लगेगा तब आपको लगेगा कि अरे ये ऐसा निर्माण करने वाला है कौन, तब आप स्वरूप ज्ञान के तरफ दौड़ेंगे। और जब खुद को स्वस्वरूप का ज्ञान, स्वस्वरूप यानी खुद का स्वरूप, हम ही चराचर में भरे हुए हैं तो हम दिखते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और हर जीव मात्र में कैसे समाये है, इनका शोध लेने का ये तीसरा फर्ज है। इसलिए तो यह मनुष्य जन्म है, क्योंकि यही मनुष्य जन्म में ये हम
कर सकते हैं। इस कारण ये मनुष्य यानी को नरदेह बोला जाता है। वैसे देखा तो हर योनि में नर और मादा ये दोनों ही रहते हैं, तो इसको नर योनि नरदेह बोलने की जरूरत क्या है? तो इधर संत कबीर जी ने अपने दोहे में बताया, नर करनी करे, यानी ये मनुष्य देह ने ऐसा कुछ कर्म किया तो कौन से ने कौन से मार्ग से, कर्म मार्ग से हो, ज्ञान मार्ग से हो, या योग मार्ग से हो, या भक्ति मार्ग से, वो नारायण बन जाएगा। और ये जो दावा उन्होंने किया है वो उनका खुद का अनुभव है। हर संत ने ये जो हमें संदेश दिया है, यानी उन्होंने दोहे लिखे हैं, उनको कभी भी कविता नहीं बोलते। कविता में कल्पना विलास रहता है, कवि के मन में जो जो विचार आते हैं वो विचार वो कविता में रहते हैं, और वो वास्तव में आएंगे या नहीं आएंगे ये नहीं बता सकते। वैसे ही कविता संत लिखते हैं, लेकिन उसमें उनका स्वानुभव रहता है। इस कारण वो कविता को बहुत महत्व है, इसी कारण उनको अभंग बोला जाता है। गाना भी नहीं, अभंग। कभी भी भंग होने वाला नहीं ऐसा मार्ग या ऐसा संदेश। तो ये संत ने, सब संतों ने हमें मार्गदर्शन किया है आपके अभंग के माध्यम से, और उसमें से ये हमें सीखा है कि मनुष्य योनि मुक्ति के लिए पैदा हुई है। तो मुक्ति मिलवाना उनका फर्ज है, कौन से भी मार्ग से जाइए। मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण ने ये कलयुग में नीति मूल्यों का अधोपतन ज़्यादा हो जाएगा ये जानकर अर्जुन को सामने खड़ा करवा के ये नीति अनीति का युद्ध निर्माण करवा के हमें और आप लोगों को समृद्ध करने के लिए, ज्ञानी बनवाने के लिए, आत्मज्ञानी बनवाने के लिए ये प्रसंग रचाया होगा, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि भगवान कृष्ण सक्षम थे, वो नीति अनीति का झगड़ा खुद खत्म कर सकते थे, लेकिन अर्जुन को सामने खड़ा करने का, कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव दोनों को लाने का, युद्ध का प्रसंग निर्माण हो गया है, उसमें अर्जुन को बुद्धि होनी चाहिए कि नहीं 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 अरे हम इसको मारेंगे नहीं, यानी माया अर्जुन में निर्माण हो जाएगी, मोह अर्जुन में निर्माण हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब मुझे सिखाने के लिए भगवान ने ये सब माया रची हुई है, ऐसे हम समझते हैं। और इसमें से ये जो सब मार्गदर्शन है ये हमें किया है, ये मार्गदर्शन हमने हमारा दिल का कान करवा के हमने सुना, तो हम अर्जुन जैसे जरूर मुक्त हो जाएंगे। आगे आपको सुनने को मिलेगा, या आप सब लोगों को मालूम है अर्जुन ने आगे युद्ध किया है, युद्ध में कौरव हार गए हैं, पांडवों का विजय हो गया है, ये सब अपने आपको मालूम है। तो इसमें से क्या लेने का, क्या कि इसमें से ये लेने का कि कर्म जो है वो शरीर करता रहेगा, वो अकर्म कैसे हो जाएगा, ये प्रयास हमने करना चाहिए। और कौन से भी मार्ग से हमारा मन जो है वो समृद्ध होने दो, ज्ञान मार्ग से होने दो, कर्म मार्ग से होने दो, योग मार्ग से होने दो, या भक्ति मार्ग से होने दो, लेकिन ये जो मन है, चंचल मन जो है, ये चंचल मन को अकर्म करने के लिए तैयार करो। और जैसे अर्जुन को मुक्ति मिल गई, आज अर्जुन हमारे में नहीं है, हमारे दादाजी या दादी माँ गुजर गई, तो उनको
40-50 साल हो जाते हैं तो कौन दादाजी थे ये भी याद नहीं रहते। और द्वापर युग में निर्माण हुआ अर्जुन आज तक हमारे दिल में जिंदा है। वो क्यों जिंदा है? क्योंकि उन्होंने आत्मशांति यानी आत्मज्ञान मिलवाकर वो मुक्त हो गया। भगवान कृष्ण जैसे सदगुरु उनको मिले वैसे हमें भी सदगुरु मिले हैं। तो सदगुरु का मार्गदर्शन लेकर हमने क्या करना चाहिए, जैसे अर्जुन को जिज्ञासा थी, मुमुक्षु अर्जुन बार बार अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछकर आपका मन जो था वो प्रसन्न करवा के, आपका मन साफ सुथरा करवा के आत्मज्ञान के ओर दौड़ रहा था, वैसा हमारा मन वैसे हमारी कृति होनी चाहिए। और हमने आत्मज्ञान कैसे मिल जाएगा उसका प्रयास करना चाहिए। तो आगे अर्जुन को भगवान कृष्ण ये योग के बारे में विस्तार पूर्वक बोलने वाला है, वो हम जरूर अगले सत्संग में सुनेंगे। जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काण सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। श्या वल्लभ रामचंद्र की जय।